वेलकम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं रिलायबल सॉल्यूशन। आज का हमारा एक्सेल का होम टैब का वीडियो है। इसमें मैं आपको होम टैब कंप्लीट बताऊंगा और हर ऑप्शन के बारे में डिटेल बताऊंगा। टोटल हमारे पास यहाँ पे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूलाज, डेटा, रिव्यू और व्यू, टोटल 7 टैब्स है। एक टैब और है जो आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, वो है डेवलपर टैब। जब मैं आपको कंप्लीट 7 टैब से क्लास बताऊंगा, उसके बाद में लास्ट जो क्लास रहेंगी वो डेवलपर टैब की रहेंगी। तो यहाँ पे आपको बताऊंगा किसको यहाँ पे इंसर्ट कैसे किया जाता है और उसका यूज़ क्या है। तो सबसे पहले आज हम इस क्लास में होम टैब के बारे में देखेंगे। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं क्लिपबोर्ड, क्लिपबोर्ड में आपको कट, कॉपी, पेस्ट सभी को ऑप्शन पता होते हैं। फॉर्मेट प्रिंटर और क्लिपबोर्ड ये नए ऑप्शन है जो कि मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होते हैं। यहाँ पे फॉन्ट है, जो भी आप टेक्स्ट टाइप करते हो इस टेक्स्ट में आपको उस टेक्स्ट को बोल्ड कैसे करना, इटैलिक कैसे करना, देन उसको अंडरलाइन कैसे देना, नेक्स्ट बॉर्डर कैसे देना, बैक कलर कैसे देना, टेक्स्ट कलर कैसे देना, यहाँ से आप जो साइज देखते हैं उसकी फॉन्ट की कम और ज़्यादा करने के लिए, फॉन्ट को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए आप ये दोनों का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ से फॉन्ट साइज चेंज करेंगे और यहाँ से फॉन्ट चेंज करेंगे, फॉन्ट की स्टाइल चेंज करेंगे। देन आप यहाँ से अलाइनमेंट में से फॉन्ट को अलाइनमेंट में करेंगे, लेफ्ट, सेंटर, राइट, टॉप राइट, बॉटम राइट। देन यहाँ पे इंडेंट सेट करेंगे आप, और जो आपको यहाँ से टेक्स्ट है टेक्स्ट को रोटेट करेंगे। देन यहीं पे रैप टेक्स्ट है, जब आप एक वर्ड लिखते हो, नेक्स्ट वर्ड आप उसी लाइन में लिखते हो और इंटर प्रेस करते हो तो ऑटोमेटिक लाइन चेंज हो जाती है, तो उस प्रॉब्लम को इस टेक्स्ट रैप से सॉल्व किया जाता है। देन मर्ज सेंटर हम क्या होता है देखेंगे अभी। नंबरिंग, नंबरिंग की स्टाइल कैसी होती है, देन यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जब आपके पास डेटा होता है तो उसको फॉर्मेटिंग कैसे सेट किया जाए कंडीशन के हिसाब से, जो आप टेबल बनाते हो उसका फॉर्मेट, सेल का स्टाइल्स, सी शीट, रो और कॉलम कैसे इंसर्ट किया जाए, उसी शीट रो और कॉलम को डिलीट कैसे किया जाए, उसका फॉर्मेट कैसे सेट किया जाए। और यहाँ पे एक ऑप्शन और है, वो ऑप्शन है यहाँ पे प्रोटेक्ट शीट, आप जब शीट बनाते हो तो उसको प्रोटेक्ट कैसे किया जाए। देन यहाँ से ऑटोमेटिक फार्मूला यूज किया जाएगा, फिल सीरीज है और जो आप कंटेंट टाइप करते हो उसको क्लियर कैसे किया जाए। नेक्स्ट आप उसको सॉर्ट कैसे करें और फिल्टर कैसे करें और डेटा को फाइंड कैसे करें। तो एक कंप्लीट हमारे पास होम टैब के अंदर ऑप्शन है। तो क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल्स और एडिटिंग मैं आपको अभी बताऊंगा इसी वीडियो में। सबसे पहले एक्सेल, जिनको पता नहीं एक्सेल के बारे में, थोड़ा एक बेसिक बता दूं मैं कि एक्सेल क्या है। एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो कि रो और कॉलम पे डिपेंड है। तो आप जो हॉरिजेंटली देख रहे हैं, जैसे 3 है 4 है जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये रो है और जो वर्टिकल है वो कॉलम है। और इस रो कॉलम से जो एक सेल क्रिएट हो रही है, जो बॉक्स है इसको सेल कहेंगे हम। और इस सेल का जो नंबर है आपको यहाँ नेम बॉक्स में दिखाई दे रहा है, अभी D5 है। अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ तो आपको A3 नज़र आ रहा है। सेम यही सामने अगर मैं कुछ फार्मूला इसको, तो फार्मूला बार है, आपको आपका लाइव फार्मूला यहाँ पे नज़र आएगा। देन ये तो टैब है जो मैं अभी आपको बताया हूँ, और ऊपर जो है क्विक एक्सेस टूल बार है, इसका यूज़ मैं भी आपको बताऊँगा। देन ऊपर टाइटल बार है और नीचे जो है शीट है, आप अपने मर्जी से जितने चाहे उतने शीट ऐड कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं, इसको रीनेम भी कर सकते हैं, कलर भी दे सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं। इसमें ऑप्शंस बहुत सारे, आपको जो चाहे आपके मर्जी से कर सकते हैं। एक्सेल के जो वर्जन होते हैं
वो अलग अलग वर्जन है, तो मैं आपको जो वर्जन बता रहा हूँ 2013 का वर्जन बता रहा हूँ, और लेटेस्ट जो वर्जन है 2016 है और 7 भी है। तो ओल्ड वर्जन से लेकर एमएस ऑफिस 2003 तक तकरीबन ऑप्शन सेम थे और उसमें मेनू ऑप्शन थे, लेकिन 2007 से 16 तक पूरे सेम है लेकिन थोड़े चेंज है। तो अभी आपको 7 में 13 में क्या चेंज है कुछ नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये मेरा 13 है, तो पहले 13 कैसे मैं कैसे समझूँ, तो मुझे समझना है कि ये एमएस ऑफिस 13 कैसे हुआ, कहाँ लिखा हुआ है। तो आपको जब भी चेक करना है फाइल पे क्लिक करोगे, अकाउंट यहाँ वो क्लिक करोगे, देन ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोफेशनल 2013। और अगर आपको 7 देखना है तो मैं ऑलरेडी 7 भी इंस्टॉल है मेरे सिस्टम में, 7 है 7, तो आप इजीली पहचानते हो कि एमएस ऑफिस 7 में सेम इस तरह एक ऑफिस बटन होता है, 13 में फाइल होता है इस तरह से। तो 7 में भी आप देख रहे हैं यहाँ पे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा रिव्यू और व्यू टैब है, यहाँ पे भी सेम है। यहाँ पे भी डेवलपर टैब ऐड कर सकते हैं, सेम वही ऑप्शन इसमें है, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल्स और एडिटिंग, वही ऑप्शन इसमें है। लेकिन कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं जो एडवांस होते हैं, उसमें एडिशनल ऐड हो जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंसर्ट में आपको यहाँ पे पिक्चर, ऑनलाइन पिक्चर नजर आ रहा है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट एक ऑप्शन है, वो आपको एमएस ऑफिस 7 में नहीं मिलेगा। देखिए तो ये कुछ थोड़ा बहुत छोटा सा डिफरेंस रहता है, लेकिन तकरीबन जो एडवांस जो ज़्यादा यूज होने वाले कॉमन ऑप्शंस और फॉर्मूले होते हैं वो दोनों में अवेलेबल होते हैं, सेम होते हैं। अगर आपको एमएस ऑफिस 7 आता हो तो आप 13 भी कर सकते हैं, थोड़ा समझ के करना पड़ेगा, आ जाएगा। तो आइए हम आगे देखते हैं। अगर आप कंप्लीट होम टैब सीखना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को कंप्लीट देखिए और कंटिन्यू देखिए, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो फिर से रिपीट करके देखिए। अगर कुछ डाउट्स है तो मुझे आप 8919580076 पर कॉल कर सकते हैं, ये मेरा नंबर है 8919580, सॉरी रॉन्ग टाइप किया मैं, 8919580076, और व्हाट्सएप नंबर है 7386037033, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7386037033। एक्चुअल मेरा जो मकसद है कि एक्सेल में कंप्लीट डिटेल में आपको वीडियो अपलोड करो आप लोगों के लिए, और प्रोजेक्ट के साथ करूँ। मैं जब क्लास लेता हूँ तो मैं प्रोजेक्ट बना के रखा हूँ, मैं आपको बताऊँगा। आप चाहते हैं कि मेरे जो अपलोड किए प्रोजेक्ट भी आपको दिखे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया हो तो, और आपके दोस्त को अगर चाहते हैं कि वो भी देखे, उनको भी फ़ायदा पहुँचे, तो उनको शेयर भी कीजिए, और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और कुछ डाउट्स है तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं या कॉल करके 8919 पे पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कमेंट करके। तो कोशिश करूँ कि आपके हर डाउट्स क्लियर करूँ। तो आइए हम देखते हैं इसमें एक्सेल में जब आप फाइल को सेव करते हो तो इसमें जो फाइल आप पहचानते हो उसके लिए एक एक्सटेंशन रहता है, वो रहता है डॉट एक्सएलएस। ये तो एमएस ऑफिस ओल्ड वर्जन में रहता था, लेकिन अब लेटेस्ट में जो है डॉट XLSX है। तो आइए हम स्टार्ट करें। तो ये तो हमारा एक बेसिक हुआ एक्सेल क्या है। नेक्स्ट एक्सेल में मार्कशीट कैसे बनाएं, सिंपल आप यहाँ पे टाइप करोगे, जैसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ इसको,
मैं यहाँ पे नंबर वन टाइप किया हूँ, देन क्लिक करके ड्रैग किया इसको। जब ड्रैग किए यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पे इस पर क्लिक करने के बाद फिल सीरीज बोलने का, ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिक फिल कर देगा। अब आप चाहते हैं कि इसको सेंटर करें, हम फिर से होम पे आते हैं, इसको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करके अलाइन में जाकर यहाँ से इसको सेंटर करें इस तरह। आप यहाँ पे नाम टाइप करोगे, सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट आप टाइप करना चाहते हैं, देन उन सब किस स्टूडेंट को किस सब्जेक्ट में कितने नंबर टाइप करना, आप मैन्युअली टाइप करेंगे पूरे। आप चाहते हैं सबको सेंटर करना है, इस तरह आप सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से सेंटर ले लीजिए, अलाइनमेंट सेंटर हो गया। देन आप यहाँ पे टोटल लेना चाह रहे हैं, मैं आपको यहाँ पे भी फार्मूला सम का बता रहा हूँ, टोटल इसमें नियर अबाउट 300 के आसपास फार्मूलाज है। तो मैं मेरे फार्मूला की सीरीज भी स्टार्ट करूँगा, जिसमें आपको प्रैक्टिकली जो कंपनीज में वर्क होता है उस लेवल का बताऊँगा। तो अभी यहाँ पे सम कैसे करना, टोटल कैसे करना, सबसे पहले इक्वल टू लेने का, बगैर इक्वल टू के फार्मूला इनकम्प्लीट होता है। इक्वल टू सम टाइप करने का, ब्रैकेट ओपन, शिफ्ट 9 या फिर टैब की प्रेस करके, शिफ्ट 9 या टैब की प्रेस करके, देन सेल रेंज सेलेक्ट करने की, आपको यहाँ पे पूछ रहा है आपको नंबर 1 2, यहाँ पे क्लिक करने का और क्लिक करके ड्रैग करने का जहाँ तक आपके पास सब्जेक्ट है, या फिर आप इस तरह भी इस तरह के दो कोलन लेके फर्स्ट सेल देन इस तरह के टू कोलन्स, बताता हूँ मैं आपको, फर्स्ट सेल देन टू कोलन्स देन लास्ट सेल और ब्रैकेट क्लोज और इंटर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे टोटल आ चुका है। फिर एक आने के बाद में क्लिक करके ड्रैग कर लीजिए, इस तरह सबका टोटल आ गया। सेम ऐसे मिनिमम का फॉर्मूला यूज हुआ है, ये मिनिमम फॉर्मूला है। तो यहां पे हमने यहां पर जो टोटल लिए, तो यहां पे इक्वल टू सम लिए हमने, सम की जगह आपको ये सेम रखना है सब में, E4 इज टू I4, क्योंकि हमारा ये कॉलम E है और ये रो नंबर 4 है। तो यहां से ये I कॉलम है और सेल भी 4 है, तो E4 I4 सब में सेम रहेगा, चाहे आप टोटल निकाल रहे हो या मिनिमम या मैक्सिमम या फिर एवरेज। सिर्फ आपका उसमें फर्स्ट टोटल निकालते वक्त SUM आपको टाइप करना पड़ेगा वहां पे, SUM। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे मिनिमम निकालना है तो आपको MIN टाइप करना पड़ेगा, MIN। अगर आप चाहते हैं नहीं मुझे मैक्सिमम निकालना तो MX टाइप करना पड़ेगा, और एवरेज है तो एवरेज आपको इस तरह पूरा टाइप करना पड़ेगा, इस तरह पूरा एवरेज टाइप करेंगे और ब्रैकेट ओपन करके E4 इज टू I4 टाइप करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करेंगे, तो आपके पास इस तरह का रिजल्ट आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे सम इक्वल टू सम E4 I4। अब मैं इसको सेल को इधर लेता हूँ, मिनिमम E4 I4 देन मैक्सिमम एवरेज। अब रिजल्ट का फार्मूला जो है मैं आपको फार्मूला से बताऊंगा, अभी मैं आपको बेसिक होम टैब बता रहा हूँ, फिर स्पेशल इसी क्लास लूंगा, वरना अपनी क्लास की ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएंगी। एक शॉर्टकट में फास्ट बताता हूँ आपको, इसको डिटेल में फिर से समझाऊंगा। यहाँ पे बहुत ही आसान है इक्वल टू लेने का, इफ लेने का एक फार्मूला है, शिफ्ट 9 से ब्रैकेट ओपन बोलने का, COUNTIF टाइप करने का, काउंट इफ, क्योंकि हमको काउंट करना है, इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन काउंट इफ फिर और ब्रैकेट ओपन बोलने का। अब यहाँ पे आपको सेल रेंज पूछ रहा है, सेल रेंज
सेल रेंज बोले तो आपकी सेल रेंज ये हो गई, कहाँ से, हिंदी से स्टार्ट हुई और कहाँ तक है, ज्योग्राफी तक है। नेक्स्ट कॉमा बोलने का, यहाँ पे पूछ रहे हैं रेंज के बाद में कॉमा है। आपको फॉर्मूला कभी भी याद नहीं करने का, आप जब फॉर्मूला यूज करते तो उस नीचे जो आपको इंस्ट्रक्शन देता है उसको फॉलो करने का, देन कॉमा में सेम उसको फॉलो करो। मुझे फॉर्मूला याद है भी नहीं, मैं आपको बोलूंगा भी नहीं याद करो, मैं आपको पूरे 300 फॉर्मूलाज बताऊंगा और मैंने एक भी फॉर्मूला याद नहीं किया हूँ। मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, टेक्निक बताऊंगा, आपको उसको फॉलो करना है। तो यहाँ पे कॉमा, आपको क्या करना है, रिजल्ट निकालना है। तो मैं कंडीशन ले रहा हूँ, आप अगर इफ काउंट इफ कर रहा है यहाँ से यहाँ तक, अगर जो कुछ मैं बोलूँगा इन्वर्टेड कॉमा बोलूँगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 35। मैंने कंडीशन दिया कि मेरे पास अगर E4 से लेकर I4 तक 35 के बराबर और ज़्यादा है, कितने सब्जेक्ट में, तो आप लगा सकते हैं E4 से लेकर I4 तक कितने सब्जेक्ट हुए टोटल, ये 1, ये 2, 3, 4 एंड 5 सब्जेक्ट। तो ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद में इक्वल टू कितने सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट, और कॉमा, फिर इन्वर्ट कॉमा में पास टाइप करने का जो कंडीशन है, अगर किसी स्टूडेंट को 35 के इक्वल और उससे ज़्यादा मार्क्स है तो उन्हें पास होना चाहिए, वरना फिर कंडीशन फेल होना चाहिए, और ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पास दिया है, इसको ट्रैक कर लूँगा मैं, सब में आ जाता है। अब मैं इसको फेल करके दिखाता हूँ आपको, ज्योग्राफी में इसको 34 मार्क्स दे देते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे फेल आ गया, और आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑटोमेटिक ग्रेड भी आ गया है। मैं एक काम करता हूँ, इसको 5 मार्क्स दे देता हूँ, ओके 0 मार्क्स देता हूँ, अब 35 देता हूँ, पास है। तो समझ में आया आपको फार्मूला। नेक्स्ट सेम ऐसे ग्रेड का फार्मूला, इसके एक अलग से वीडियो फिर से बना के दूंगा मैं आपको। ग्रेड का फार्मूला है, ग्रेड के फार्मूले में क्या है समझाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे भी सेम इफ कंडीशन है एक, तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ एवरेज अगर ग्रेटर देन 80 से तो क्या होना चाहिए, ग्रेड ए होना चाहिए। फिर फार्मूला रिपीट हो रहा, आप देख सकते हैं ये कंडीशन रिपीट हो रही है हर जगह, इक्वल टू फर्स्ट टाइम है देन इफ ब्रैकेट ओपन M4, यानी एवरेज आपका ये M4, M कॉलम है, 4 रो है, M4 ग्रेटर देन 80 तो क्या होना चाहिए, ए ग्रेड होना चाहिए। फिर कॉमा, फिर नेक्स्ट कंडीशन, नेक्स्ट M4 ग्रेटर देन 60 क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। इफ ग्रेटर देन 40 तो क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। कंडीशन यहाँ पे ग्रेड में अवेलेबल है। तो ये हम यहाँ पे देखिए हमारा कि मार्कशीट कैसी बनाते हैं, ओके। क्लिप बोर्ड, अब हम देखेंगे क्लिप बोर्ड। क्लिप बोर्ड में आपको कट कॉपी पेस्ट पता है, सिंपल आप किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करते हो सेलेक्ट करके, और जहाँ चाहिए जैसा कि कंट्रोल सी से, मैं यहाँ पे शॉर्टकट किया, कंट्रोल सी से कॉपी किया और यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट कर देता हूँ, ये शॉर्टकट किया होगा, यहाँ पे भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ऐसी कट पेस्ट भी होता है, यहाँ से कट कर दिया हूँ और यहाँ पेस्ट किया, एक कस्ट पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कट पेस्ट। फॉर्मेट प्रिंटर क्या होता है, मैं यहाँ इसको फॉन्ट कलर देता हूँ, बैक कलर भी देता हूँ, यहाँ से फॉन्ट भी चेंज किया, यहाँ से साइज भी इंक्रीज करता हूँ थोड़ी, यहाँ से डिक्रीज करता हूँ थोड़ी, यहाँ से थिक बॉर्डर देता हूँ, अंडरलाइन लेता हूँ, इटैलिक भी बोलता हूँ, बोल्ड भी करता हूँ, अंडरलाइन डबल कर देता हूँ। तो आप देख रहे हैं मैं इतना सारा फॉर्मेट चेंज किया, मेरे पास यहाँ बहुत सारा डेटा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ बहुत सारा है, यहीं पे बहुत सारा है, मान लो यहाँ पे आपके पास डेटा है,
अब आपको क्या करना है, सेम यही फॉर्मेट इस डेटा पे अप्लाई करना है। तो आपके पास ऑलरेडी जो फॉर्मेट अवेलेबल है इसको किसी और टेक्स्ट पे अप्लाई करने के लिए आपको जहां फॉर्मेट है वहां पे क्लिक करना होगा, क्लिक करके फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना होगा और कहां अप्लाई करना हो वहां पे क्लिक करके बस ट्रैक कर देना, छोड़ देना है। तो आप देख रहे हैं ऑटोमेटिक यहां पे अप्लाई हो गया। तो यह है फॉर्मेट पेंटर। क्लिपबोर्ड क्या होता है, मैं यहां पे वाई टाइप किया, यहां जेड टाइप किया, मैं इसको कॉपी किया, यहां पेस्ट किया, राइट क्लिक करके भी आप पेस्ट कर सकते हैं, पेस्ट हुआ, फिर जेड कॉपी किया और यहां पे जेड पेस्ट किया। अब मैं वाई पेस्ट करना चाहता हूं तो वाई नहीं जेड पेस्ट होगा, क्यों, लास्ट कंडीशन में हम कॉपी जो किए थे वो जेड था, वाई नहीं था। तो सेम यही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास है क्लिपबोर्ड। देखिए मैं यहां पे ए टाइप किया, सॉरी वन टाइप किया, वन ले लेते हैं, थ्री लिया। अभी मैं वन को कॉपी कर लेता हूं, यहां पे आप देख सकते हैं वन यहां पे टाइप कॉपी हो गया। अब यहां पे थ्री को कॉपी कर लेता हूं, थ्री भी आपको क्लिपबोर्ड में नजर आ रहा है। आपको किसे पेस्ट करना है, थ्री को या फिर वन को, तो आप अपनी मर्जी से जिसको कॉपी करना है उसको कॉपी कर सकते हैं, उसको पेस्ट कर सकते हैं। तो क्लिपबोर्ड आपको ये हेल्प करता है कि आप जो भी कंटेंट्स कॉपी कर लेते हैं वहाँ पे क्लिपबोर्ड में स्टोर हो जाता है और आप जब चाहे जहाँ चाहे वहाँ उसको पेस्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो सबको क्लियर कर सकते हैं, आप चाहे तो सिंगल पेस्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, पेस्ट ऑल बोले तो सब टोटल पेस्ट हो जाता है इस तरह से। तो ये हो गया हमारा होम। अभी मैं आपको क्लिपबोर्ड लाने के लिए आपको इस बटन पे क्लिक करना होगा, इससे इस तरह। नेक्स्ट अभी आपको फॉन्ट से मैं बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन ये पूरे ऑप्शंस बता चुका हूँ, अभी आप देखे हैं मैं फॉन्ट चेंज किया। सेम मैं आपको अभी यहाँ पे सेंटर राइट लेफ्ट अलाइनमेंट बताया हूँ। ये ऑप्शन का यूज तब होगा जब आपके पास सेल बड़ी है और आप इसको सेंटर करना चाहते हैं, तो आप बॉटम में सेंटर हो रहा है, मिडिल सेंटर नहीं हो रहा, तो आपको उस ऑप्शन पे क्लिक करना होगा जो कि मिडिल सेंटर होगा आपका, ये टॉप सेंटर। तो इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये आपको इंडेंट इसका इतना ज्यादा यूज नहीं होता है, ये आपको फॉर्मेट एंगल चेंज करने के लिए। ओके आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं इस तरह से। मैं भी आपको रैप टेक्स्ट बताता हूं, यहां टाइप करता हूं मैं रिलायबल सॉल्यूशन। अब मैं चाहता हूं कि नीचे कंप्यूटर कोर्सेस टाइप करूं और इंटर प्रेस करता हूं, तो आप देख सकते हैं सेल चेंज हो गई। अभी सेल नंबर क्या है, I10 है। अगर मैं रिलायबल सॉल्यूशन पे क्लिक करूं तो क्या है, I9 है, राइट। रिलायबल सॉल्यूशन आपको यहां पे दिख रहा है। आप चाहते हैं इसी रिलायबल सॉल्यूशन के नीचे आपको लिख कर आना चाहिए, क्या आना चाहिए, मैं यहां पे क्लिक करके टाइप करता हूं कंप्यूटर क्लासेस एंटर प्रेस करता हूं, तो आप देखिए क्या रिलायबल सॉल्यूशन के नीचे आया है, नहीं आया, उसी लाइन में आया। मुझे ऐसा नहीं चाहिए था, मुझे चाहिए था रिलायबल सॉल्यूशन के नीचे कंप्यूटर क्लासेस। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं, रैप टेक्स्ट पे क्लिक करूं तो नहीं, क्या करता है आप देख रहे हैं यहां पे पे क्लिक करके मैं रैप टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, क्या करता है रैप टेक्स्ट एक्स्ट्रा लॉन्ग टेक्स्ट इनटू मल्टीपल लाइंस सो यू कैन सी ऑल ऑफ इट। तो आप देख रहे हो ऊपर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, तो माइक्रोसॉफ्ट और एक्सेल
दो लाइन में चेंज हुआ है। तो मैं यहाँ पे इस पे क्लिक किया, जैसे क्लिक किया आप देख रहे हैं रिलायबल सॉल्यूशन कंप्यूटर क्लासेस एक के नीचे एडजस्ट हो गए सेल के हिसाब से। मैं चाहूँ तो इसको कॉलम पे यहाँ पे क्लिक करिए कॉलम के, जब भी आपको कॉलम को छोटा बड़ा करना है तो आपको ध्यान रहे कि दो कॉलम के बीच में जो लाइन होती है वहाँ क्लिक करके आप इस तरह से कम या फिर इस तरह से उसको बढ़ा सकते हैं। देख सकते हैं आप आ गए हमारा रिलायबल सॉल्यूशन कंप्यूटर क्लासेस। ओके तो ये था हमारा रैप टेक्स्ट। मर्ज सेल्स क्या होता है, मैं नीचे प्रैक्टिकल लिखा हूँ पूरा, क्लिपबोर्ड बताऊँ के कॉपी वन पेस्ट मल्टीपल पेस्ट एनीवेयर, पेस्ट स्पेशल ऑप्शन मैं आपको बताऊँ के क्या होता है। उससे पहले मैं आपको मर्ज सेल्स के बारे में है ऑप्शन बनना है बताता हूँ मैं आपको। पेस्ट स्पेशल क्या थोड़ा देख लीजिए, पेस्ट स्पेशल क्या होता है, जब आप एक टेक्स्ट को कॉपी करते हो और उसको पेस्ट करते हो तो पेस्ट आप एज इट इज हो जाता है। कभी कंडीशन ये होती है, थोड़ा समझा देता हूँ, नेक्स्ट एक स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगा मैं पेस्ट स्पेशल की, तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन बटन पे क्लिक करें तो आपको मेरी ये वीडियो ऑटोमेटिक मिल जाएंगी। मैं बताता हूँ, जब आप एक टेक्स्ट को या डेटा को आपके टेबल को या जो भी आपके पास एक एक्सेल की फाइल है उसको कॉपी करके कहीं पेस्ट करते हो और आप चाहते हो खाली फॉर्मूला पेस्ट हो, तो इस ऑप्शन पे क्लिक करें तो फॉर्मूला पेस्ट होता है। मैं प्रैक्टिकली आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ऑल बोले तो ऑटोमेटिक पूरा पेस्ट हो जाएगा। वैल्यू पे क्लिक करने के बाद में सिर्फ वैल्यू पेस्ट होती है, जिसमें क्या होता है डेटा को सिलेक्ट करना होता है और जहाँ पेस्ट कर वहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल बोलना पड़ता है। कैसे होता है, राइट क्लिक और पेस्ट स्पेशल इस ऑप्शन से आता है, इस ऑप्शन पे क्लिक करें तो आपको, अभी कॉपी नहीं की इसलिए ऐसा ऑप्शन नहीं आया, देख सकते हैं आप थोड़ा अलग ऑप्शन है। मैं पहले कुछ कॉपी करता हूँ फिर पेस्ट करके आपको बताता हूँ। जैसे पहले मैं इसको पहले कॉपी करता हूँ, कॉपी किया, अब यहाँ पे पेस्ट राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल बोलता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरे पास सेम वही ऑप्शन है पेस्ट स्पेशल का। तो अगर मैं ऑल बोलूँ तो ऑटोमेटिक जैसा था वैसे मेरे पास पेस्ट हो जाएगा। फॉर्मूलाज बोले तो सिर्फ फॉर्मूला कॉपी होगा, वैल्यू बोले तो फॉर्मूला भी रहा तो वैल्यू में कन्वर्ट होकर आएगा, फॉर्मेट्स बोले तो सिर्फ जो आप फॉर्मेट देते हो जैसे टेक्स्ट कलर है आउटलाइन है आपको फॉर्मेट मिलेगा टेक्स्ट नहीं मिलेगा। देन कमेंट बोले तो आप कमेंट देते हो पर्टिकुलर तो कमेंट्स आपको हाईलाइट होगा। वैलिडेशन अगर दिया हुआ है तो आपको वैलिडेशन दिखाई देगा, अगर आपको वैलिडेशन क्या है कमेंट्स नहीं है तो आप नेक्स्ट वीडियो में रिव्यू और व्यू में और डेटा टैब में आपको समझ में आ जाएगा कि डेटा वैलिडेशन कमेंट्स क्या होता है। देन ऑपरेशन, ऑपरेशन आपको बहुत ज्यादा काम आने वाली चीज है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप कभी कुछ किसी एम्प्लॉयज की सैलरी की शीट बनाए हैं और उस एम्प्लॉय की सैलरी में पर्टिकुलर किसी फेस्टिवल के वक्त में बोनस दिया जाता है तो मैनेजर की तरफ से बोला गया कि भाई कंपनी की तरफ से ऑर्डर है कि हर किसी के सैलरी में एक 500 या 5000 ऐड किया जाए, तो वहाँ कैसा करे, तो ऑलरेडी 1000 एम्प्लॉयज की तो एक पूरी सैलरी शीट बनी हुई है और उस 1000 सैलरी शीट में 5000 को हर एक को एक एक 1000 एम्प्लॉय के शीट में ऐड करना बोले तो काफ़ी टाइम जाएगा। उस वक्त में खाली आप क्या करोगे, कितने ऐड करना है टैक्स को सिलेक्ट कर लेके ऐड ऑप्शन यूज करेंगे तो ऑटोमेटिक सब में अप्लाई हो जाएगा। सेम इस तरह सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड है और ट्रांसपोर्ट से आप क्या कर सकते हैं, आपके टेक्स्ट हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल में वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं। शायद मैं स्पीडली बोल रहा हूँ क्योंकि एक वीडियो काफ़ी बड़ी बन रही है, लेकिन मेरे हर वीडियो में आपको इस वीडियो में पूरा होम बता रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट वीडियो जाएंगे इसमें एक एक के बारे में डिटेल बताऊंगा और पूरे प्रैक्टिकली प्रोजेक्ट के साथ में बताऊंगा। स्किप ब्लैंक भी आपको काफ़ी यूज होता है, जब आप देखते हैं कि एक 1000 एम्प्लॉयज के डेटा है जिसमें से एक 5 एम्प्लॉय का डेटा चेंज हुआ है तो ऑटोमेटिक सबका चेंज नहीं होना, कॉपी पेस्ट करें तो खाली जिसका चाहे उसका चेंज होना है उसके लिए हम ये स्किप ब्लैंक का यूज कर ले सकते हैं। और सोर्स के साथ में थीम के साथ में आपको चाहिए तो आप इस पर क्लिक करोगे, आपको बगैर बॉर्डर की चाहिए तो आप इस पर क्लिक करोगे, कॉलम विथ सही आना बोले तो आप इस पर क्लिक करोगे। कॉलम विथ पर से एक ऑप्शन याद आया मुझे कि एक्सेल में हम कैलेंडर कैसे बनाते हैं, तो एक बहुत अच्छा प्रैक्टिकल है, मैं आपको एक वीडियो इस पर भी बना के भेजूंगा कि एक्सेल में कॉलम कैलेंडर कैसे बनाया जाता है, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है।
फॉर्मूलास एंड नंबर्स फॉर्मेट हम इसके जरिए ले सकते हैं, वैल्यूस एंड नंबर फॉर्मेट ले सकते हैं, तो ये हमारा पेस्ट स्पेशल है। अभी आप देख रहे थे कि यहाँ पे कुछ एक बॉर्डर आउटलाइन रोटेट हो रही थी एक, तो कैसे मैं इसको रिमूव किया हूँ, जैसा कि मैं यहाँ पे अगर कभी भी कॉपी कर दूँ तो इस तरह से रोटेट होती रहती है। इसको हटाने के लिए मुझे कंट्रोल डी प्रेस करना है, कंट्रोल डी, ये शॉर्टकट की होता है डिसलेक्ट का। तो अभी मैं आपको यहाँ तक ऑप्शन बता चुका हूँ, मर्ज एंड सेंटर बताना है आपको, पेस्ट स्पेशल भी अलग क्लासेस लोगों में स्पेशल आपकी, फॉन्ट हो गया आपका, फॉन्ट बता दिया मैं आपको, अलाइनमेंट हो गया है, अलाइनमेंट हो गया है, मर्ज एंड सेंटर कैसे होता है, जैसा कि आप यहाँ पे इस तरह से पहले आप दो सेल है, इसमें डबल ए टाइप किए, इसमें डबल ए टाइप किए, जब आप मर्ज एंड सेंटर यूज़ करोगे तो क्या करेंगे इन्हें, जैसे आपको यहाँ पे यूज़ करके बताता हूँ, कंट्रोल सी से मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ मैं कॉपी किया और ऑप्शन यूज कर रहा हूँ अब मर्ज एंड सेंटर, जैसे मैं इस पर क्लिक किया तो ओके बोलूँगा, ओके बोलने के बाद आप देख सकते हैं सेम ये इस तरह का टेक्स्ट इस तरह अप्लाई हो गया, तो ये हमारा मर्ज एंड सेंटर है। लेकिन मेरे पास ये दो ऑप्शन है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ये दोनों सेल दोनों रो मुझे दिखाई दे, मैं डेटा को थोड़ा नीचे कॉपी कर लेता कि ऊपर मर्ज हुआ हुआ है, दोनों रो मुझे दिखाई दे, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, दोनों रो को सिलेक्ट करना है और यहां से जाकर आपको बोलना है सॉरी मर्ज अक्रॉस। जब आप मर्ज अक्रॉस पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हैं एक ही रो के मल्टीपल सेल तो मर्ज हुए लेकिन मल्टीपल कॉलम मर्ज नहीं हुए। तो जब आपको मल्टीपल रोज को मर्ज करना है तो आप मर्ज अक्रॉस बोलेंगे, और ऑल कॉलम या रोज को मर्ज करके एक सेल में कन्वर्ट करना है तो मर्ज एंड सेंटर बोलेंगे। तो ये ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर एंड मर्ज अक्रॉस। तो आप देख सकते हैं इस तरह का ऑप्शन यूज करने के बाद में ऐसा होता है और ऐसा करने के बाद में फिर ऐसे होता है। तो ये है मर्ज एंड सेंटर। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप मुझे पूछिए, मैं आपको और अलग तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा जिसको समझ में नहीं आता है, तो ओके नो प्रॉब्लम। देन नंबर, नंबर क्या होता है, सेल फॉर्मेट नंबर जब आप करते हो तो आपको इस तरह का ऑप्शन आता है, जैसे आप देख सकते हैं जनरल नंबर करेंसी अकाउंटिंग डेट टाइम परसेंट फ्रैक्शन साइंटिफिक टेक्स्ट स्पेशल कस्टम, इस तरह का आपको ऑप्शन मिलेगा। अगर मान लो यहाँ पे मैं 000301 टाइप करता हूँ, आप इंटरप्रेस करें तो यहाँ पे 000 गायब हो गया। तो ये कैसे हुआ, कभी कभी आप जब वर्क करते हो तो आपको पहले ही 00 लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम होती है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आपके पास है फॉर्मेट सेल जो कि आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह के फॉर्मेट सेल ऑप्शन आएगा जिसमें आपको नंबर में जाना है। अभी आप अलाइनमेंट फॉन्ट बॉर्डर ये सब क्या छोड़ दीजिए, बाद में बताता हूँ। इसमें नंबर में आपको नंबर है, इसमें भी आपको डिटेल वीडियो बताऊंगा मैं, नंबर है, जनरल है, नंबर से आप जनरल में तो आपको जनरल चीज में नहीं कुछ भी चेंज नहीं करना है। नंबर से क्या होता है कि आप जब देखते हो कि आप यहाँ पे जैसे डेसिमल प्लेसेस 2 है, मैं इसको 0 कर देता हूँ, आप सिंपल में देख रहे हैं 301.00 दिखा रहा है, मैं इसको यहाँ से 0 कर देता हूँ, आप देख रहे हैं 301 है खाली। जब आप डेसिमल प्लेस यहाँ पे जितने देंगे उतने यहाँ पे 0 चेंज हो गए। अगर आपको इसको यूज 1000 सेपरेट कॉमा बोलते हो तो आप देखते हैं कि जब आप 1 लाख टाइप करते तो 1,20,000 इस तरह से कुछ अमाउंट रहता है, तो आप इस पर क्लिक करते तो सेम इस तरह का अमाउंट आता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे, देखिए आप सैंपल में यहाँ पे अभी इस तरह से, और ये है अब ये नीचे वैल्यू क्या दिखा रहा है, जैसे ऊपर आप देख रहे हैं कि माइनस है ब्लैक में, यह माइनस है नहीं है लेकिन रेड में है, यह माइनस ना है ना प्लस है, आपको प्लस में दिख रहा है माइनस में दिख रहा है लेकिन ब्रैकेट में है। एक्चुअल है क्या है, जब आप कुछ वर्क करते हो वैल्यू आपकी होती है वो माइनस में जाती है, तो आपको माइनस वैल्यू को दिखाना ठीक नहीं लगता है, तो आप उसको इस फॉर्मेट पे अगर क्लिक कर लेते हैं, इस वाले फॉर्मेट पे अगर क्लिक कर लेते हैं तो आपकी वैल्यू प्लस हो जाएंगी लेकिन रेड कलर में रहेंगी, या फिर आप इस फॉर्मेट पे क्लिक कर तो आपकी वैल्यू जो रहेंगी ब्रैकेट में रहेंगी लेकिन
इस तरह से रहेंगे, तो आप पे डिपेंड करता है आपको कैसे मेंटेन करना है। देन करेंसी, जब आप करेंसी लेते हो तो करेंसी का सिंबल आपको क्या सेट करना हो आप यहाँ से डिसाइड कर ले सकते हो, आपको कैसे लेना है आप चेंज कर सकते हो यहाँ से। देन अकाउंटिंग लेते हो तो आप अकाउंटिंग में यहाँ से सेट कर ले सकते हो। डेट का फॉर्मेट जो होता है आप देखते हो, कभी आप डेट टाइप करो तो आपको कभी मान लो कि 3/14/2012 ऐसी ही डेट आ रही है, समटाइम्स आपको ऐसी डेट लेना होता है तो आप इस फॉर्मेट को सेट करोगे, अगर आपको ऐसी लेना तो इस फॉर्मेट को सेट करेंगे। तो करना क्या है आपको, अभी एक प्रैक्टिकल बताता हूँ यहाँ पे। अभी यहाँ पे हम सेल में हैं और ये मैं चाह रहा हूँ तो कि मुझे यहाँ पे 0 0 मिले, पहले एक डेट का प्रैक्टिकल बताता हूँ आपको। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3/3/2019, एंटर प्रेस किया हूँ तो आप देख सकते हैं सेम ऐसी फॉर्मेट आया, मुझे ऐसा नहीं दूसरा फॉर्मेट चाहिए। मैं यहाँ क्लिक करूँगा अलाइनमेंट सेटिंग, यहाँ पे क्लिक करने के बाद में नंबर पे क्लिक करूँगा, डेट का मुझे ये फॉर्मेट चाहिए, यहाँ पे क्लिक करके मैं ओके बोलूँगा तो आप देख सकते हैं सेम वही फॉर्मेट वहाँ पे अप्लाई हुआ है। और अभी हम इस पर क्लिक करेंगे, सेम मुझे इसके पहले 2/3/0 चाहिए, फिर से मैं वही क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद में कस्टम पे क्लिक करूंगा, मैं कस्टम पे क्लिक करने के बाद में जनरल के नीचे जो जीरो है इस जीरो पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे देख सकते हैं टाइप में एक जीरो, यहाँ पे क्लिक करके मैं जब तक ये 3 के पहले, इस 3 के पहले देखो मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, आप देखिए जरा, देखिए जरा आप यहाँ पे जब तक 0 नहीं आते पहले आप जब तक आपको टाइप करना है, ओके समझ आए आपको, ओके बोलेंगे तो देख सकते हैं आप यहाँ पे जैसा आप चाहते थे सेम वैसे फॉर्मेट आ गया है। तो इस तरह आपको प्रॉब्लम्स आती है, कभी डाटा पे वर्क करते हो, कुछ शीट पे वर्क करते हो, कुछ कंपनी में वर्क करते हो, तो इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको इस तरह फॉर्मेट चेंज करना होता है। तो ये हमारा फॉर्मेट हो गया। नेक्स्ट हमारा स्टाइल है, आपको ये डेटा है अगर आपका, देखिए मैं यहाँ पे पूरा दिया हूँ कैसे करना है, नंबर जनरल फॉर्मेट स्पेशल में सेम इस तरह हम स्पेशल नंबर को फॉर्मेट में इस तरह कर सकते हैं, इस तरह का फॉर्मेट नंबर भी कर सकते हैं, स्पेशल में इस तरह भी कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं। मैं अभी आपको 2 प्रैक्टिकल बताया हूँ और आप सेम उसी को टेक्स्ट लेकर ऐसा अप्लाई करके देख सकते हैं, जैसा मैं आपको डेट का और कस्टम का बताया हूँ, ये पूरा परसेंटेज टाइम वगैरह सब ऑप्शन है। नेक्स्ट कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का भी आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, काफी अच्छा ऑप्शन है, बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या होता है कि आप हाईलाइट सेल्स रूल में ऐसा मेंटेन शो करा सकते हैं कि मान लो आपके पास कुछ मटेरियल है, प्रोडक्ट्स है और आपको ऐसा मालूम हो जाना चाहिए कि अगर ये वैल्यू ये क्वांटिटी अगर इससे कम हो जाए तो आपको ऑटोमेटिक रेड कलर हाईलाइट करना चाहिए या कुछ ग्रीन कलर हाईलाइट करना चाहिए, तो आप उस हिसाब से यहाँ पे रूल सेट कर सकते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट डॉट कंटेंट डेट के हिसाब से और डुप्लीकेट वैल्यू, यूनिक वैल्यू के हिसाब से, देन टॉप 10 टॉप बॉटम यूज कर ले सकते हैं आप, डेटा बार के जरिए शो करा सकते हैं आप, कलर के जरिए, कलर से स्केल के जरिए और आइकॉनिक के जरिए, और आप इसमें नए रूल भी सेट कर सकते हैं। तो मैं अब देख सकते हैं यहाँ पे पूरा मैं तय किया हूँ, सेट किया हूँ, ये मेरा डेटा हो गया है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 52 है। अब मैं इसको 100 कर देता हूँ, देखिए क्या एक्शन होगा, आप देख सकते हैं जैसे मैं 100 किया हूँ यहाँ से फॉर्मेट चला गया, इसको भी 100 कर देता हूँ, इसको 50 कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक इसमें चेंजेस हो रहा है। तो ये चेंजेस कैसे हो रहा है मैं आपको स्पेशल एक क्लास लूंगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग, उससे बताऊंगा।
अगर मैं इसी में आपको पूरा बताऊं तो काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा। ओके, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप सेट कर सकते हैं इस तरह। तो मैं आपको बताऊं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप डेटा पे अप्लाई कर सकते हो, ऐसी फॉर्मेट टेबल को स्टाइल दे सकते हो, सेल को स्टाइल दे सकते हो, और यहाँ से इंसर्ट के जरिए आप डेट टाइम सॉरी सेल रो और कॉलम इंसर्ट कर सकते हो, और यहाँ से सेल रो कॉलम और शीट को डिलीट भी कर सकते हो। और यहाँ से फॉर्मेट रो साइज हाइट, इस पर भी स्पेशल एक अलग कैलेंडर में मैं आपको पूरा कंप्लीट बताऊंगा। प्रोडक्ट शीट क्या है देख लीजिए, प्रोडक्ट शीट पे अगर मैं क्लिक करूँ, इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे पासवर्ड टाइप कर दूँ, मैं एक पासवर्ड टाइप कर रहा हूँ, ओके बोलूँ, फिर से यहाँ पे पासवर्ड टाइप करूँ और ओके बोलूँ, तब मैं यहाँ पे कुछ भी वर्क नहीं कर सकता। जब भी मैं कुछ वर्क करूँगा तो मुझे एक मैसेज आएगा कि आप यहाँ पे टाइप नहीं कर सकते, जो भी है तो आपको अनलॉक करना होगा। तो आप फिर से यहाँ पे क्लिक करोगे और आपको पासवर्ड पता होना चाहिए, वरना प्रॉब्लम हो जाएगा। अनप्रोटेक्ट शीट बोलो और पासवर्ड जो आप टाइप किए थे उसको याद रख के फिर से टाइप करो, ओके बोलो, तब आप यहाँ पे अनलॉक हो गए, आप यहाँ पे काम कर सकते हो, आप टाइप कर सकते हो, वरना प्रॉब्लम हो जाएगा, आपकी फाइल डिस्टर्ब होंगी। तो मैं प्रोटेक्ट शीट सेल लॉक इस पर अलग से एक क्लास लूँगा, काफ़ी टाइम लगेगा इसको लेने के लिए। तो यहाँ से ऑटोमेटिक फार्मूलाज ले सकते हो आप, फिल इसकी भी अलग से क्लास लूँगा, वो नए क्लास में बहुत प्रॉब्लम होगा। क्लियर, ये यहाँ से फिल्टर सॉर्टिंग और सिलेक्ट, फाइंड फाइंड में आप डेटा को फाइंड कैसा करें, उसको रिप्लेस करें कैसा करें, स्पेशल आपके पूरे काफ़ी बड़ा डेटा है उसमें आपको स्पेशल एक कमेंट्स कहाँ देखना है, तो आप इस फाइंड ऑप्शन के जरिए देख ले सकते हैं। तो ओके दोस्तों, उम्मीद है मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन बटन पर क्लिक करें, ताकि मेरी वीडियो के नेक्स्ट जो सीरीज़ आपको मिलती रहे। तो ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।